चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाय फ्रेंड, टेक्निक एंड आर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे आप कार्पेटर को घर में बड़े आसानी तरीके से कैसे साफ करें, और वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे हर चीज में। मेरा बाइक बार बार बंद हो जा रहा था, तो पहले मैंने स्पार्क प्लग को क्लीन किया, एयर फिल्टर को क्लीन करा, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब हम कार्पेटरों के अंदर शायद बहुत डस्ट और जंग लग गया है, इसके अंदर उसके अंदर गया है टंकी के जरिए, तो उसको हम खोल के स्टेप बाय स्टेप साफ करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं हर एक बारीकी से बताऊंगा कि आप किस तरह अपने कार्पेटर को साफ कीजिए। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारे पुराने मेंबर है वो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड। ये मेरा बाइक होंडा ड्रीम योगा, आज हम इसका कार्बोरेटर खोल के स्टेप बाय स्टेप आप कैसे साफ कर सके, सर्विसिंग कर सके घर में, वो हम आपको तरीका बताएंगे। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा वही तरीका आप अपनाओ, और स्टेप बाय स्टेप कार्बोरेटर को कैसे ओपन करना है, किस तरह फिटिंग करना है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये स्क्रू जो दिया हुआ है इसको आपको खोल देना है, तीनों स्क्रू को। इस नट को भी आपको खोल देना है। नीचे ये एयर का पाइप है कार्बोरेटर के नीचे, उससे भी हमें निकाल देना है। ये सब करने से पहले आप अगर एक छोटा सा वीडियो बना देंगे किस पोजीशन में आपका कार्बोरेटर लगा हुआ है और कौन सा पाइप आप निकाल रहे हैं और कौन सा स्क्रू ढीला कर रहे हैं, ताकि आप बाद में इसे देख के सेम प्रोसेस कर सके और बराबर फिटिंग कर सके। कहीं भी आपको कोई भी चीज़ ओपन करना होगा तो पहले आप या तो फोटो खींचिए या तो फिर उसका वीडियो बना दीजिए, ताकि आपको कोई भी चीज़ बाय मिस्टेक गलती से ना लग जाए। इसके लिए आप कभी भी कुछ चीज़ ओपन करें तो पहले वीडियो आपके मोबाइल में ज़रूर बनाएं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा वापस फिटिंग करने में और आपसे गलती भी ना होगी। देखिए कितना गंदा हो गया है, हर जगह कार्बन मिट्टी इसके अंदर गई है। अभी हम इसे पेट्रोल से साफ कर देंगे, इसके अंदर जो पेट्रोल है पूरा निकाल देंगे झटक के। देखिए कितना गंदा हो गया, इसके अंदर मट्टी धूल मट्टी बहुत गई है बरसात की वजह से। इसके लिए ये कार्बोरेटर बार बार चलता नहीं है और बाइक बंद हो जाती है बीच रास्ते में। मेरा बाइक चलते चलते अचानक बंद हो जाता था, इसके लिए मैं कार्बोरेटर की सर्विसिंग कर रहा हूँ। पहले मैं स्पार्क प्लग क्लीन करके देखा, फिर एयर फिल्टर, दोनों से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसके लिए अभी कार्बोरेटर में क्लीन करके उसका सर्विसिंग करके साफ करूँगा। अब देखिए मैं इसको ओपन कर दिया हूँ, इसके अंदर आपको मट्टी दिख रही होगी, इसी वजह से मेरा बाइक बार बार बंद हो जा रहा था। इसके अंदर पूरा मट्टी चले गया है। इसके बड़े ध्यान से आप इसे खोलिए, क्योंकि इसका हर अंदर का पार्ट एकदम बारीक वाला, वो अगर घूम जाएगा तो बाद में आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। इसके लिए आप वीडियो शूट करके ये हर एक पार्ट को ओपन कीजिए। अभी मैं आपको बता दूँ, इसमें एक बारीक पिन रहता है जो एल्युमिनियम का रहता है, आगे उसके आगे लबड़ रहता है, जो सामने पॉइंट काला दिख रहा है आपको लबड़ का है। ये इसके अंदर जाके एयर को कम ज़्यादा करता है। अभी हम दो ब्रश के स्क्रू भी खोल देते हैं। इसके अंदर जो बारीक बारीक छेद है उसे हमें पिन से साफ करना होगा, जिससे इसमें हवा पास नहीं होता है और बाइक बंद हो जाता है। एक छोटा एक बड़ा है, दोनों को पिन डाल के सफा करना है। हम ये अंदर कार्बोरेटर के अंदर जो ढक्कन है जैसा है उसे हम खोल देते हैं। अभी देखिए आपको नीचे दिखता रहेगा
साइड में कटिंग है, तो आपको वही कटिंग साइड में ही उधर ही आपको बिठाना होगा, जिधर हल्का रेडियस बताया हुआ है, कटिंग जैसा रेडियस है। अभी हम इसे पेट्रोल से धो देते हैं। पेट्रोल देखिए मेरा कितना साफ है। अभी हम सबको बारीक बारीक जो पार्ट है उसको भिगाने रख देंगे पेट्रोल में, और जो हमारा रेस एयर हम कंट्रोल करते हैं उस वाले स्क्रू को भी निकाल देंगे। इसके अंदर आपको बताता हूँ कैसा कार्बन जमा हो गया काला वाला, ये सब हमको धो के निकालना है पेट्रोल से। ये सब का कार्बन निकालना है। अच्छी तरह ब्रश से धो दीजिए इसको। सब जगह से हर एक अंदर डस्ट मिट्टी सब निकाल दीजिए। और ये स्क्रू है जो कार्बोरेटर के नीचे साइड है, वो भी हम निकाल के इसको जंग लगाए वो भी साफ कर देंगे। असल में ये जो मैं मिट्टी बोल रहा हूँ वो डस्ट, वो टंकी में से बरसात के दिन में हमारी टंकी में पानी जाता है, जिसके टंकी के अंदर जंग के जैसा बारीक बारीक डॉट आते हैं, तो वही डॉट पेट्रोल के जरिए हमारे कार्बोरेटर में जाता है, और जिससे मिट्टी की शक्ल लेता है, और वो आहिस्ते आहिस्ते जमा होके इतना उसकी क्वांटिटी हो जाती है कि वो जाके पेट्रोल पास होने में वो दिक्कत होती है। इसके लिए बाइक बार बार बंद हो जाता है, तो हमें कार्बोरेटर को सर्विसिंग करना होता है। जिस तरह मैं साफ करो ब्रश से, आपको भी उसी तरह करना है। और लेकिन सावधानी से, एक भी पार्ट घूम जाएगा तो आपको कार्बोरेटर में बाद में दिक्कत होगी बाइक स्टार्ट करने में। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब भी आप ऐसा कुछ करें तो वीडियो शूट जरूर करें। अभी मैं इसमें टाच नहीं डाल के साफ कर रहा हूँ बारीक बारीक होल में, और उसके अंदर आप थोड़ा प्रेशर से हवा भी मार दीजिए मुंह के अंदर आप थोड़ा सा लेके उसे, ताकि वो हवा से जो रहेगा थोड़ा वो डस्ट वो निकल जाएगा। से आपको पिन इसी तरह डाल के दो नोजल, एक बड़ा छोटा दोनों में ऐसे आपको पिन डाल के अंदर पिवाने वहाँ पर पेट्रोल में भिगाना है। अभी हम फिटिंग कर दे रहे हैं, हमारा सब धोखे हो गए। ये वाली पट्टी फिटिंग पहले आपको समझना होगा, इस पोजीशन में आपका चलना मांगता है। ये चौक का डायरेक्शन है, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती चौक में डालते हो वही डायरेक्शन है। तब जैसे चौक में डालते हैं तो हिसाब से आपका यही पोजीशन में आपको डालना होगा। अभी जहाँ जहाँ से हमने नोजल निकाले थे बारीक ब्रश के, वो सब फिटिंग कर देंगे। दोनों नोजल को फुल टाइट कर दो। अभी हम आपको बताते हैं जो बारीक पार्ट आपको बताया था एल्युमिनियम का, इसके आगे लबड़ है, वो संभाल के आपको फिटिंग करना है, क्योंकि उससे एयर कम ज़्यादा पास होता है। ये प्लास्टिक में फंस के वो ऊपर नीचे अप डाउन करता है, तो इस पार्ट को आपको बहुत संभालना है। ये बारीक अगर घूम जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। देखिए हमने फिटिंग कर दिए, नीचे साइड देखा ध्यान से उसी प्लास्टिक के नीचे वो है। अभी मैं आपको तो बताता हूँ आपको इसके कैप को कैसा फिटिंग करना है। आप गौर से देखेंगे तो एक तरफ ओरिंग बताया है, तो यानी इस साइड में वो आएगा, इस तरफ रख के आपको उसे फिटिंग कर देना है सब फुल टाइट, ताकि हमारा पेट्रोल लीकेज ना हो। अभी हम यहाँ के भी दो स्क्रू लगा देंगे। ये दोनों स्क्रू हमारे बाइक को रेस देते हैं, उसका सेटिंग है और एयर का है। अभी हम इसे हल्का टाइट करेंगे और पूरा बाइक
में ये पार्ट फिटिंग होने के बाद कार्बोरेटर, उसके बाद में इसे एडजस्ट करेंगे बाइक चालू करके। अभी देखिए हमारा पूरा फिटिंग हो गया। अभी हम आपको बाइक में फिटिंग करने के बाद कार्बोरेटर बताते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अभी देखिए हमारा पूरा फिटिंग हो गया। अभी हम आपको बताते कैसे एडजस्ट करना है। दोनों को आप थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, जो बड़ा वाला है उसको 2 से 2.5 चूड़ी खोलना रहता है, थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करना पड़ता है। और जहाँ तक है छोटा वाला, वो 3.5-4 ऐसा खोलना होता है। अभी आपको बताता हूँ, देखो आवाज़ हल्के हल्का सही होते गए, हमारा बाइक कंट्रोल में आ गया। देखिए अभी तो मस्त चल रहा है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियो बनाऊँ। बाय।